नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आप सबका डिफेंस डिकोड पे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रडार सिस्टम के बारे में, जो कि भारत पे आने वाले वेरियस तरह के थ्रेट को सर्च करेंगे, ट्रैक करेंगे और उनको पकड़ेंगे। इनमें से ज़्यादातर रडार को भारत ने डेवलप कर लिया है और कुछ का जो स्टेटस है वो क्लियर नहीं है। तो उन सभी को लेकर हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि कितने प्रकार के जो रडार हैं वो एप्लीकेशन में हैं। तो ये कुछ रडार हैं जो कि वेरियस तरह के एप्लीकेशन में इस्तेमाल किए जा रहे हैं भारत के डिफेंस सिस्टम में। इन सभी को लेकर हम बात करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं उन रडार से जो कि शॉर्ट डिस्टेंस और लिमिटेड एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, स्पेशली LIC में, यानी कि लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट में। इन रडार की जो रेंज होगी वो आमतौर पर वेरी करती है 500 मीटर से लेके 3 किलोमीटर के बीच में। इस तरह के रडार आपको ड्रोन को पकड़ने के एप्लीकेशन में इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कि इस चेन में सबसे नीचे हैं। वहीं पर आपको मिलते हैं BFSR, यानी कि बैटलफील्ड सर्वेलेंस रडार। इस तरह के कई सारे जो रडार हैं वो एप्लीकेशन में हैं, स्पेशली अगर बात करते हो BEL और DRDO द्वारा बनाए गए इस तरह के रडार के बारे में, जो कि जे बैंड में ऑपरेट करता है। नाम दिया गया है उसको BFSR SR, जो कि शॉर्ट रेंज के लिए स्टैंड करता है। रेंज की अगर आप बात करोगे तो किसी सोल्जर को पकड़ने के लिए, जो कि क्रॉल कर रहा होगा, रेंज इसकी 700 मीटर की है। वॉकिंग मैन को पकड़ने के लिए 3 किलोमीटर की रेंज है, जबकि ग्रुप ऑफ पीपल को पकड़ने के लिए, जो कि आपकी तरफ आ रहे होंगे, वो 7 किलोमीटर दूर पकड़ लेगा उनको। और कोई भी हैवी व्हीकल है तो उनको पकड़ने के लिए जो रेंज है वो 14 किलोमीटर की है। तो टिपिकली जो आपके इस तरह के रडार हैं वो बैटलफील्ड में इस्तेमाल किए जाएंगे। ये एक 2-डायमेंशनल रडार है, जो कि आपके टारगेट के बारे में दो तरह की इन्फॉर्मेशन लेके आएगा 2 डायमेंशन में। इस तरह के अराउंड 2000 जो रडार हैं ऑलरेडी एप्लीकेशन में हैं। तो इसको मैंने डाला हुआ है 10 किलोमीटर के सर्कल में, जो कि 10 से ऊपर भी जाता है, जो आपका BFSR है, यानी कि वो 20 किलोमीटर तक भी जा सकता है। उसके बाद जो रेंज है वो बढ़ती है 50 किलोमीटर की रेंज में। फिर वहाँ पे आप इंक्लूड कर लोगे MPIR के बारे में बात करते हैं। तो MPIR यहाँ पे मैंने इंडिकेट किया हुआ है मैरीटाइम पेट्रोल रडार को लेके बनाया है, जिसको DRDO ने या फिर इस तरह के जो भी रडार हैं एप्लीकेशन में वो इस एरिया में ऑपरेट करेंगे, जो कि स्मॉल सी टारगेट को पकड़ने के लिए बनाए गए हैं। हम सभी जानते हैं कि समुद्र में जो क्लटर है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलता है, तो उन सब चीज़ों को अवॉइड करते हुए टारगेट को कैसे क्लासिफाई करना है वो इसका फीचर है। जबकि यहाँ पे जो ISR रोल है वो भी ये करने में सक्षम है, यानी कि इनवर्स SIR का इस्तेमाल करके किसी भी टारगेट की, स्पेशली मूविंग टारगेट की, जिसका जो मोशन है वो काफ़ी स्लो है, तो उसके 2 पोजिशन को लेकर कम्प्लीट ये पिक्चर बना के आपको देता है। तो इस तरह का रोल को ये निभा सकता है। यहाँ पे जो रेंज है वो वेरी करेगी 50 से लेके 70 किलोमीटर के बीच में, डिपेंड करेगा आपके टारगेट के साइज के ऊपर। इसी एरिया में इंक्लूड किया हुआ है CSR को, यानी कि कोस्टल सर्वेलेंस रडार को। ये रडार आपके आमतौर पर जो भी कोस्ट हैं वहाँ पे दिए गए होते हैं, स्मॉल बोट, ट्रॉलर्स, वेसल्स या फिर कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि तैर के आपके तट पे आना चाह रहा है, तो ये उसको डिटेक्ट करेगा। यहाँ पे जो रेंज है वो टारगेट के साइज के ऊपर डिपेंड करेगी, जो कि अप टू 50 किलोमीटर तक जा सकती है। यहाँ पे इस तरह के कई सारे जो वेरिएंट हैं वो DRDO की लैब LRDE ने बनाए हुए हैं, मैन्युफैक्चर किया है उसको BEL ने। इसी रेंज में जो अगला रडार है, इनकी वेपन लोकेटिंग रडार, जिसको आप स्वाति के नाम से जानते होंगे, अभी हमने उसको हाल ही में एक्सपोर्ट किया है आर्मेनिया को। स्वाति एक वेपन लोकेटिंग रडार है, मतलब एनिमी कोई भी वेपन फायर कर रहा है, चाहे आर्टिलरी हो, रॉकेट हो, मोर्टार्स हो, तो इस तरह के टारगेट को लोकेट करने के लिए ये जो रडार हो इस्तेमाल में लाए जाते हैं। जहाँ पे आर्टिलरी को लोकेट करने के लिए जो रेंज है वो 2 से लेकर 30 किलोमीटर के बीच में वेरी करती है। रॉकेट के लिए जो रेंज है वो 4 से लेकर 40 किलोमीटर के बीच में वेरी करती है। जबकि जो मोर्टार हैं उनके लिए जो रेंज है वो 20 किलोमीटर के बीच में वेरी करती है, मतलब उतनी दूर तक वो फायर को लोकेट कर सकते हैं। तो इस तरह के हमने 4 यूनिट आर्मेनिया को दिए हैं और 25 के अराउंड हमारे अपने सर्विस में हैं और कुछ ऑलरेडी ऑर्डर पे हैं। इसी में हम बात कर लेते हैं भरनी रडार के बारे में, जो कि लो लेवल लाइट वेट रडार है, यानी कि LRR है। L-band में ऑपरेट करता है, जबकि उसको पावर किया जाता है बैटरी से, जो कि 2D सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये एक पोर्टेबल रडार है। रेंज की यहाँ पे बात करोगी तो जो रेंज है वो 50 किलोमीटर तक जाती है। इसको एप्लीकेशन में ऑलरेडी लाया गया है LEC के अराउंड। ये रडार डिटेक्ट कर सकता है किसी भी एयरक्राफ्ट को जिसका जो RCS है वो 2 स्क्वायर मीटर का है, तो उसको ये 40 किलोमीटर दूर पकड़ सकता है, जबकि एक बार में 60 से भी ऊपर टारगेट को ये ट्रैक कर सकता है। तो 50 किलोमीटर रेंज में जो आपका भरनी रडार है वो भी आ जाता है, इसलिए इसको हमने यहाँ पे रखा है। चलते हैं अगली रेंज की तरफ, जो कि 50 से लेकर 100 किलोमीटर के बीच में है। और इसमें सबसे पहले बात करेंगे TLR के बारे में, यानी कि ट्रूप लेवल रडार के बारे में। DRDO ने इसको बनाया है, जानते होंगे इसको आप राजेंद्र के नाम से, जो कि मल्टीफंक्शन रडार है, सक्षम है सर्वेलेंस करने में, ट्रैक करने में और लो RCS टारगेट को एंगेज करने में। सर्वेलेंस करता है G और H band में और एंगेज करता है I और J band में। टिपिकली एक फायर कंट्रोल रडार है, मतलब एंगेज करने के लिए ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे जो रेंज है वो किसी 2 मीटर स्क्वायर वाले ऑब्जेक्ट के लिए जो रेंज है 150 किलोमीटर की है, जहाँ पे एक बार में 64 टारगेट को ट्रैक कर सकता है। तो ये थोड़ी बात आपके TLR को लेके। इसी रेंज में हमने डाला हुआ है ADTCR को, बनाया इसको DRDO ने, जिसको आप एयर डिफेंस टैक्टिकल कंट्रोल रडार के नाम से जानते होंगे। ये भी इस्तेमाल किया जाता है सर्विलेंस ट्रैकिंग और फ्रेंड और को आइडेंटिफिकेशन के लिए, जो भी आपके एरियल टारगेट है उनको लेके। यहाँ पर रडार की जो रेंज है वो 90 किलोमीटर तक की है 1 मीटर स्क्वायर टारगेट के लिए, जहाँ पे सफल रहेगा अगर आपका जो टारगेट है वो 800 मीटर पर सेकेंड से घूम रहा है, तो आप उसको भी ट्रैक कर सकता है और लगभग 100 टारगेट को एक बार में ट्रैक कर सकता है। तो बेसिकली एक ट्रांजिशन फेज में है, जहाँ पे रिप्लेस करने जा रहे हैं जो भी आपके इंद्र रडार हैं उनको।
सो ये अपने कैटेगरी में पहला एक्टिव फेज्ड एरे रडार है। तो ये एक मल्टी फंक्शनल फायर कंट्रोल रडार है जिसको IAF के लिए बनाया गया है। यहाँ पे रडार की रेंज है वो 150 किलोमीटर के अराउंड है। अगला आपका इंद्रा रडार यानी कि इंडियन डोपलर रडार, जिसको रिप्लेस करने वाले हैं ADTCR। ये एक लो फ्लाइंग डिटेक्शन रडार है जो कि 2D फॉर्म में वर्क करता है, एलिमेंट का ये इस्तेमाल करता है। जबकि रडार के रेंज की बात करते हो तो स्मॉल टारगेट के लिए वो 90 किलोमीटर के अराउंड है। सक्षम है ये एक बार में 200 टारगेट को ट्रैक करने में। इसको बनाया है BEL ने। इसके दो वेरिएंट है, इंद्रा 1 और इंद्रा 2। जहाँ तक इंद्रा 2 की बात है तो उसके जो ऑर्डर हैं वो IAF के द्वारा दिए गए हैं। इसी में बात करते हैं अश्लेषा रडार की, जो कि इस रेंज में फॉल करते हैं। तो ये एक 3D लो लेवल लाइट वेट रडार है, भरनी की तरह ही, जो कि वहाँ पर 2D था। अभी ये हाल ही में एप्लीकेशन में देखे गए थे लद्दाख में। इसको लेकर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं डिटेल में। यहाँ पे इस्तेमाल करता है एस बैंड फ्रीक्वेंसी का। जहाँ तक रेंज की बात है वो किसी 2 मीटर स्क्वायर वाले टारगेट के लिए 50 किलोमीटर की है। जबकि रडार का जो वेट है वो 200 केजी से नीचे का है, तो इसको आप कहीं भी कैरी कर सकते हो। और ये भी रडार आपके तकरीबन 100 टारगेट को एक बार में ट्रैक कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं ADFCR के बारे में, जिसको बनाया गया आपके फ्लाई कैचर रडार को रिप्लेस करने के लिए। डिजाइन और डेवलप किया है DRDO ने। ADFCR को आप अतुल के नाम से भी जानते होंगे। अभी हाल ही में इसको एयरो इंडिया में भी शोकेस किया गया था वर्किंग मॉडल को। क्लिप में यहाँ पे ऐड कर दूंगा। यहाँ पे जो डिटेक्शन रेंज है किसी भी 0.1 मीटर स्क्वायर वाले टारगेट के लिए वो 10 किलोमीटर के अराउंड है, जबकि 1 स्क्वायर मीटर वाले टारगेट के लिए 20 किलोमीटर के अराउंड है। यहाँ पे जो ट्रैकिंग रेंज है वो जाती है 60 किलोमीटर से ऊपर। तो यहाँ पे इसको लेकर जो भी स्पेसिफिकेशन है वो मैं यहाँ पे रख दूंगा। तो बेसिकली ये एक 2D ट्रैकिंग रडार है जो कि फ्लाई कैचर को रिप्लेस करेंगे और जो भी आपके एंटी एयरक्राफ्ट गन है उनके साथ ही ऑपरेट होने वाले हैं। तो ये तो रिबात 50 किलोमीटर से लेके 100 किलोमीटर की रेंज की। अब बात करते हैं 100 किलोमीटर से लेके 150 किलोमीटर के बीच में। सबसे पहले हम बात करेंगे 3DTCR के बारे में, जो कि 3D टैक्टिकल कंट्रोल रडार के लिए स्टैंड करता है। ये एक मीडियम रेंज ऑल वेदर रडार है। इस्तेमाल किया जाता है जो भी आपके एरियल टारगेट हैं उनको ट्रैक करने में, आइडेंटिफाई करने में और डेटा को रिसीव करने के लिए। यहाँ पे रडार की जो रेंज है वो वेरी करती है 90 किलोमीटर से लेके 110 किलोमीटर के बीच में। इसको बनाया भारत की कंपनी BEL ने, जबकि डिजाइन और डेवलप किया है DRDO ने। माउंट किया गया है तात्रा पे, जो कि आपको दिख रहा होगा। इसी बात करते हैं DRDO के उत्तम ISA के बारे में, जो कि एक AI-borne फायर कंट्रोल रडार है, यानी कि FCR है, एयरक्राफ्ट के लिए इसको बनाया गया है। इसकी जो डिटेक्शन रेंज है वो जाती है 250 किलोमीटर तक, जबकि जो गाइडेंस रेंज है वो जाती है 150 किलोमीटर तक। उत्तम ISA को लेकर जो टेस्टिंग वो चल रही है, जो कि सुपरसोनिक कंडीशन में SAR रोल है, यानी कि मैपिंग रोल है, वो इस साल के मिड तक कंप्लीट कर लिए जाएंगे। इसी बात करते हैं हम रोहिणी रडार के बारे में। बनाया इसको DRDO ने, हाल ही में इसको ऑपरेशनल देखा गया है लद्दाख में। ये एक सेंट्रल एक्विजिशन रडार है, यानी कि 3DCAR है। इसके दो वेरिएंट है, जो नेवी का वेरिएंट है उसको रिवाथी का नाम दिया गया है, और ये जो IAF का वेरिएंट है रोहिणी का नाम दिया गया है। रडार ऑपरेट करता है एस बैंड में। बनाया इसको LRDE ने, बेसिकली सर्विलेंस के लिए और टारगेट को अक्वायर करने के लिए रडार को बनाया गया है। रडार की जो रेंज है वो जाती है 200 किलोमीटर तक, जबकि एक बार में 150 टारगेट को ट्रैक कर सकता है। तो ये थोड़ी बात रिवाथी और रोहिणी को लेके। इसी रेंज में एक और रडार रह जाता है, यानी कि अश्विनी रडार। बेसिकली एक 4D एक्टिव एरे मीडियम रेंज सर्विलेंस रडार है। इस्तेमाल करता है एस बैंड का, जबकि जो उसके एरे हैं वो फेज्ड एरे हैं। कई सारे जो एप्लीकेशन है वो कर सकता है टारगेट को लेके, चाहे वो सर्विलेंस हो, ट्रैकिंग हो, डिटेक्शन हो, तो ये हर तरह के एप्लीकेशन को कर सकता है। TR मॉड्यूल उसके सॉलिड स्टेट के हैं। जबकि रेंज की बात करते हो तो किसी भी 2 मीटर स्क्वायर वाले ऑब्जेक्ट के लिए जो रेंज है वो 200 किलोमीटर की है। कोई टारगेट मूव कर रहा है 1000 मीटर पर सेकेंड, तो ये उसको भी ट्रैक कर सकता है। आपके टारगेट के बारे में ये चार तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो लेके आ सकता है। इसको लेकर जो बाकी की इन्फॉर्मेशन है वो मैं यहाँ पर डाल दूंगा। इससे ऊपर की रेंज की बात करते हो, जो कि 300 किलोमीटर या फिर उससे ऊपर जाती है, तो उसमें आप क्या जाएंगे AWNCS, यानी कि अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, जैसे कि आपके नेत्र हो गए या फिर फैल्कन हो गया। तो इस तरह का जो सिस्टम है वो यहाँ पे आ जाएंगे इस वाले रेंज में, जहाँ पे नेत्र की जो रेंज है वो 380 किलोमीटर से ऊपर जाती है, जबकि फैल्कन एवेक्स की जो रेंज है वो 500 किलोमीटर से ऊपर जाती है। तो इस तरह के दो सिस्टम नेत्र के रूप में ऑलरेडी ऑपरेशनल है। और जो थर्ड सिस्टम है, जो कि DRDO के पास था एक टेस्ट बेड के रूप में, उसको भी IAF को सौंपने को लेकर जो प्लानिंग है वो पॉसिबली की जा रही है। अगले रेंज की बात करते हैं, तो वो है 300 किलोमीटर से लेके 600 किलोमीटर के बीच में। अब यहाँ पे आपका वो सेक्शन आ गया है जहाँ पे आप किसी भी रडार के बीम को छोड़ोगे तो जिस भी डायरेक्शन में छोड़ोगे वहाँ से अर्थ के स्फेरिकल होने की वजह से जो एक शैडो है, शैडो जोन, वो बन जाता है, जो कि आमतौर पर 400 किलोमीटर के बाद बनने लग जाता है अगर आप कोई जो बीम है वो ग्राउंड से छोड़ रहे हो। तो मतलब जो आपका रडार है जितनी भी बीम वो कवर कर रहा है एक लंबी दूरी पे, ये दूरी जा रही है 400 किलोमीटर के पार, जिनका जो ऑल्टीट्यूड होता है सरफेस से वो भी हायर होता है। तो मतलब एक लंबी दूरी पे, जैसे कि 600 किलोमीटर दूर हो गया, वहाँ पे अगर आप कोई नॉर्मल रडार से टारगेट को पकड़ते हो तो टारगेट का जो ऑल्टीट्यूड है वो ऑलमोस्ट 25,000 मीटर का होना चाहिए, तभी आप उनको पकड़ पाओगे। तो बेसिकली मैं यहाँ पे कहना ये चाह रहा हूँ कि एक पॉइंट से आप रडार बीम को छोड़ते हो 600 किलोमीटर दूर टारगेट को पकड़ने के लिए, जो अर्थ का कर्वेचर है वो मुड़ जाता है और एक जो शैडो जोन है वो बन जाता है। तो उस शैडो जोन में भी टारगेट को पकड़ने के लिए किसी भी ऑल्टीट्यूड से आपको एक दूसरे तरह के रडार की आवश्यकता पड़ती है, जिसको आप OTH बोल देते हो, यानी कि ओवर द होराइजन रडार। इसको लेके हम बात करेंगे। अभी हम फिलहाल बात करते हैं MFR और अरुद्रा के बारे में।
तो ये एक मीडियम पावर रडार है। इसको भी एयर इंडिया के टाइम पर लगाया गया था। यहाँ पे जो रडार की रेंज है वो 400 किलोमीटर की है किसी भी 2 मीटर स्क्वायर वाले टारगेट के लिए। तो ये इसकी मैक्सिमम रेंज है 400 किलोमीटर की। ये भी एक एक्टिव फेज्ड एरे है, बनाया है इसको LRDE ने, इस्तेमाल करता है ये डिजिटल बीम फॉर्मिंग का। और ये भी एक 4D रडार है। तो ये तो रही बात MPR की, जो कि 400 किलोमीटर तक कवर करते हैं। जैसे ही आप 400 किलोमीटर से ऊपर बढ़ोगे रडार को लेके, तो जो एक कर्व है, शेडो है, वो बनेगा। और वहाँ पे आपको जरूरत पड़ेगी ओवर द होराइजन रडार की, इनकी OTH की, जिसको आप BTH भी बोल देते हो, इनकी बियॉन्ड द होराइजन रडार। बेसिकली हम OTH और BTH को लेके डिटेल में हम बात करने वाले हैं, जहाँ पे मुख्यतः दो तरह के आपके OTH होते हैं। पहला जो आपका OTH होता है, जिसको आप बोल देते हो स्काई वेव, ये इस्तेमाल करता है स्किड प्रोपेगेशन का, मतलब अर्थ के अराउंड जो भी आयन की लेयर है, जिसको आप आयनोस्फेयर बोल देते हो, जहाँ पे बहुत सारे जो आयन है वो होते हैं, तो वहाँ पे उन आयन का इस्तेमाल करके ये शॉर्ट वेव को छोड़ते हैं ऊपर की तरफ। और जैसे ये जो शॉर्ट वेव है ऊपर जाती हैं, वो आयन से टकरा कर तुरंत नीचे आती हैं। और इस तरह से जो भी शेडो जोन है, वहाँ पे कोई टारगेट छुपा हुआ है, तो उस टारगेट से टकरा के ये तुरंत जाएंगी ऊपर, यानी कि आयनोस्फेयर में, और वहाँ से टकरा के ये दोबारा वापस जाएंगी जो भी आपके OTH है उनके पास। तो बेसिकली यहाँ पे कहने का अर्थ ये हो गया कि इतना जो रिफ्लेक्शन यहाँ पे हो रहा है, उसकी वजह से जो लॉसेस हैं वो भी होंगे। और उन लॉसेस में भी टारगेट को पकड़ने के लिए आपको अपने रडार का जो एंटेना है उसके साइज को बढ़ाना पड़ेगा। मतलब कहीं से भी थोड़ी सी जो इन्फॉर्मेशन है जो आयनोस्फीयर से आ रही है, उसको रिसीव करने के लिए यहाँ पे मल्टीपल एंटीना दिए जाते हैं। और जो एंटीना का साइज होता है वो काफी बड़ा होता है, ताकि वो रिसीव कर सकें किसी भी शॉर्ट बीम को जो कि आयनोस्फीयर से आ रही है। तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे एक सेपरेट सेशन में। ऐसी एक रडार पर DRDO और BEL काम कर रही थी अराउंड 2008 में, और वो जो स्टेटस है वो क्लियर नहीं है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं LRR के बारे में, यानी कि लॉन्ग रेंज रडार के बारे में, जिसको आप स्वॉर्डफिश के नाम से जानते होंगे, जो कि LRTR है, यानी कि लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग रडार है। ये एक ईसा रडार है। यहाँ पे जो इसकी रेंज है वो वेरी करती है 600 किलोमीटर से लेके 800 किलोमीटर के बीच में, जबकि अपग्रेड करके जो रेंज है वो कर दिया गया 1500 किलोमीटर के अराउंड। यहाँ पे जो मैक्सिमम रेंज है वो बड़े टारगेट को हाई ऑल्टीट्यूड पे पकड़ने के लिए है। तो बेसिकली जो भी आपके एटमॉस्फेरिक टारगेट हैं, जिनका जो ऑल्टीट्यूड होगा वो हायर होगा, तो उस तक टारगेट को पकड़ने के लिए ये जो रडार है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। तो जब आप इतनी दूर बीम को छोड़ते हो, तो जो एक शैडो जोन है वो बनता है, जिसको लेकर हम बात कर चुके हैं। और उन शैडो जोन में भी स्मॉल टारगेट को पकड़ने के लिए जो आपके OTH हैं वो इस्तेमाल किए जा सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।